व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं हूँ नायद यूसुफ और आज हम बना रहे हैं चरसी कढ़ाई। ये पठानों की डिश है और ये नमकीन, ज़्यादातर इसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने बहुत कम मसालों में तैयार होती है ये। मैंने इसमें 6 चम्मच तेल के लिए हैं 2 बड़ी इलायची डाल दी है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इसमें चूल्हा जला दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और मैं इसको वो गत्ते को गर्म करने के बाद इसे तेल में डालूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए जनाब, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, चूल्हे चेयर जला दी है। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो रहा है। ये बड़ी इलायची मैं तब तक इसमें डालूंगी जब तक ये गोश्त गलेगा नहीं, उसके बाद मैं इसे निकाल के ज़ाया कर दूँगी। ये सिर्फ मैंने बहुत उसमें रखी है कि इसमें जो हल्की सी गोश्त में हमक होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। बाकी ये कहते हैं, मैं भी दिखाती हूँ उसे। तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें गोश्त डालती हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही ईजी है। इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं। ये ज़्यादातर नमक के साथ और टमाटर के साथ इस्तेमाल बनाई जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अब क्या करना है। देखिए मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, इसमें अभी आपने नमक नहीं डालना है। ये देख सकते हैं आप, गोश्त किसी भी किस्म का हो ले लीजिएगा, यानी बोटी वाला हो, हड्डी वाला हो। मेरे पास जो अवेल था मैंने डाल दिया है। और इसमें हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन से अच्छी तरह भून लेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें। बहुत ही मज़ेदार होती है, टेस्टी होती है, कम मसाले की होती है। जो लोग मसाला ज़्यादा नहीं पसंद करते वो इसे खा सकते हैं, बना सकते हैं। मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए जनाब, इसे 2-3 मिनट हो गए हैं। मैं इसमें अब टमाटर डाल दूँगी। इस तरह मैंने 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे बंद कर देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। हल्की आँच पहले थोड़ी सी फ्लेम तेज रखेंगे, उसके बाद इसे हल्का कर देंगे। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें आप, मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी डाला, क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट तेज़ आँच पर पकाऊँगी और उसके बाद मैं इसे हल्की आंच पे बंद कर दूंगी वेट लगा के। 2-3 मिनट में वेट बोलना शुरू होता है, उसके बाद 15 से 20 मिनट में इसे दूंगी हल्की आंच पर। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला सिवाय लहसुन के और टमाटर के, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत टेस्टी होती है, मज़ेदार होती है, बहुत कम मसालों में बनती है। मैं आप भी बाद में दिखाती हूँ। फिर इसके जनाब, इसकी कुकर की सीटी बोलने लगी है, आप जल रही है। मैं इसके फ्लेम को हल्का कर दूँगी 2-3 मिनट के अंदर, उसके बाद से 15 से 20 मिनट पकाएंगे हल्की आँच पे। फिर मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए ना, 20 मिनट बाद हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है, इसकी गैस निकालने के लिए रख दिया है। मैं भी आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, इसका हम छिलका रिमूव कर देंगे। ये देखें सारे टमाटर्स का, क्योंकि इसमें टमाटर का छिलका जो आता है अच्छा नहीं लगता। ये देखें, और हम इसे जो हमने बड़ी इलायची डाली थी उसे भी निकाल देंगे दोनों को। ये देख सकते हैं मैंने सब निकाल दिए हैं छिलके इसके। अब मैं इसे मैश करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसे तेज़ आंच पे कर दें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। देखिए जनाब, ये टेंडर भी हो चुकी है और ये इसका पानी खुश्क होने वाला है। इसमें अब हम नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 3 कटी हुई और 4 साबुत। मैं बता दूँ आपको कि ये क्योंकि कम मसाले की चीज़ होती है, नमक के साथ बनती है। जो लोग मसाला कम खाते हैं उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन हम जैसे लोग क्योंकि उर्दू स्पीक होते हैं, बलोच होते हैं, पठान होते हैं या कोई और उसके होते हैं, थोड़ी मिर्चें कम खाते हैं। बहुत कम लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन हम इसे अपना टच दे सकते हैं,
एज इट इज़ भून के उतार लेंगे, तैयार हो जाएगी। लेकिन हम इसमें गर्म मसाला डाल सकते हैं लास्ट में, मैं इसमें नींबू भी डालूंगी लास्ट में, गर्म मसाला डाल सकते हैं लास्ट में, और क्या कहते हैं काली मिर्चें खाली डाल सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाल सकते हैं, क्योंकि उर्दू स्पीक थोड़ा सा मसाला मसाले वाला खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो एज इट इज़ नमक के साथ खाना पसंद करता है वो इसे एज इट इज़ बना सकता है। फिर हरी मिर्चें और टमाटर के साथ, नमक के साथ, ये लहसुन अदरक के साथ, तो ये बेहतरीन किस्म की तैयार होती है। अब ये देख रहे हैं इसकी शक्ल भी खूबसूरत हो रही है, टेंडर भी हो गई है, लेकिन मैं इसके अंदर गर्म मसाला भी डालूंगी लास्ट में और लीमू भी डालूंगी, क्योंकि मुझे बेसिकली टमाटर जो है मीठा लगता है सालन के अंदर, लेकिन होता नहीं है मीठा, लेकिन मुझे महसूस होता है मीठा। मैं उसमें लीमू का इस्तेमाल लाजमी करूँगी, क्योंकि मुझे एजिटीज इस तरह ही अच्छी लगती है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे खाली नमक और टमाटर और हैंगज के साथ बनाना चाहें तो बना लें, अगर आप इसमें काली मिर्च डालना चाहें काली मिर्च डाल लें, अगर आप इसमें कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डालना चाहें वो डाल लें, वरना ये बनती इसी तरह है एज इट इज़। ये देख रहे हैं आप, मैं भी थोड़ी देर तक आपको दिखाती हूँ उसके खाने को। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत लजीज है। मैं इसमें फाइनली गर्म मसाला डालने लगी हूँ एक चमची, और मैं इसमें लीमू निचोड़ने लगी हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें एक लीमू निचोड़ूंगी और इसके बाद इसे बंद कर दूंगी। हमें दुआओं में याद रखा करें, हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है, हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो हमें दुआओं में याद रखा करें, हमें लाइक और कमेंट किया करें। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है, ये इतनी कितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, इतनी ये खाने में भी टेस्टी होगी। बेहतरीन किस्म की चरसी कढ़ाई तैयार है, बहुत कम मसालों के साथ, बहुत ईजी रेसिपी, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें आप कुछ ना डालें, ना हरा धनिया डलता है, लेकिन अगर आप ऑप्शनल है आप डालना चाहें डाल भी सकते हैं, लेकिन वो लोग इसमें कुछ नहीं डालते, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसे एज इट इज़ खाएंगे, बहुत टेस्टी होती है ये, बहुत मज़ेदार होती है। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।